17th नेशनल फिल्म अवार्ड 2024। तो दोस्तों 17वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 की घोषणा हो चुकी है और ये करंट अफेयर से रिलेटेड है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो यहाँ जो भी चीज़ें दी गई हैं, बताई गई हैं, उन सब चीज़ों को भी ध्यान रखना है, इसमें किनको किनको किन किन चीज़ों में पुरस्कार मिला है, साथ साथ कौन कौन सी फिल्में इनको भी अवार्ड दिया गया है, इन सारी चीज़ों को भी हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि 17वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 के बारे में। तो यहाँ पे दोस्तों जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ है बेस्ट एक्टर, तो बेस्ट एक्टर का खिताब जो है वह ऋषभ शेट्टी ने जीत लिया है और यह अपने मूवी कांतारा के लिए जीता हुआ है। तो आप याद रखेंगे कि सबसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो बने वह ऋषभ शेट्टी, मतलब इनको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 दिया गया फिल्म कांतारा के लिए। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं कि बेस्ट एक्ट्रेस यानी कि कौन से अभिनेत्री है जिनको बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब मिला, तो वह है नित्या मेनन और मानसी पारेख। तो इन दोनों नामों को भी ध्यान रखना है। नित्या मेनन को तिरुचित्रम्बलम मूवी के लिए, जो कि एक तमिल फिल्म है, इसके लिए मिला है, और साथ साथ मानसी पारेख को कच्छ एक्सप्रेस जो कि मूवी है उसको, गुजराती फिल्म है यह, तो इनके लिए इन दोनों को मिला है। तो ये जो है बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ही, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना ही रखना है। तो बेस्ट एक्टर जो है वो ऋषभ शेट्टी को मिला है और बेस्ट एक्टर की तो जो है नित्या मेनन और मानसी पारेख को मिला है, तो ये भी आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है सूरज बड़जात्या को, जो कि ऊंचाई फिल्म है, फिल्म का नाम है ऊंचाई, तो इस फिल्म के लिए बेस्ट डायरेक्टर का खिताब मिला सूरज बड़जात्या को। बेस्ट फीचर फिल्म की बात करें तो यह आटम द प्ले, यह फिल्म का नाम है जो कि एक मलयालम फिल्म है, आटम द प्ले यह बेस्ट फीचर फिल्म है, तो यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर बेस्ट एक्टर जो कि सपोर्टिंग रोल में, सहायक रोल में जो रहते हैं उनको भी दिया जाता है पुरस्कार। तो यहाँ बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो दिया गया हुआ है पवन राज मल्होत्रा फौजा मूवी के लिए, और यह एक हरियाणवी मूवी है, तो फौजा मूवी के लिए पवन राज मल्होत्रा को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का खिताब मिला है, मतलब पुरस्कार मिला है। साथ ही साथ में बेस्ट एक्ट्रेस सपोर्टिंग में मिला है नीना गुप्ता को, जो कि ऊंचाई मूवी के लिए मिला है, तो ये भी आप लोग दोनों को ध्यान रख सकते हैं। आगे दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर बेस्ट पॉपुलर फिल्म, पॉपुलर फिल्म की, चर्चित फिल्म की बात करते हैं, तो इसमें कांतारा मूवी को मिला है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे कांतारा को जो है बेस्ट पॉपुलर फिल्म का अवार्ड मिला है। बेस्ट फीचर फिल्म की बात करते हैं जो कि राष्ट्रीय सामाजिक पर्यावरण मूल्यों को प्रेरित करने वाली है, ये जो है बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती हैं, तो जिसमें राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरण को लेकर के बनाई जाती है, तो बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है कच्छ एक्सप्रेस को, ये आप लोग याद रखेंगे कच्छ एक्सप्रेस, और मानसी पारेख जो है कच्छ एक्सप्रेस जो कि गुजराती फिल्म है, इसी को लेकर के इनको बेस्ट एक्ट्रेस का भी अवार्ड मिला है, तो कच्छ एक्सप्रेस को जो है बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया, ये आप बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे और यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों बेस्ट फिल्म जो कि एनिमेशन और VFX की बात करते हैं, जिस फिल्म में बेस्ट एनिमेशन और VFX का काम किया गया है वह ब्रह्मास्त्र मूवी को मिला है, ये भी आप लोग याद रखेंगे, यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान रखना है। बेस्ट फिल्म जो कि एनिमेशन और VFX के रूप में मिला है जिसको, तो वह है ब्रह्मास्त्र मूवी। आगे दोस्तों बात करते हैं अब बेस्ट सिंगर मेल, यानी कि जो कि गायक हैं बेस्ट सिंगर मेल में, वह है अरिजीत सिंह, और यह ब्रह्मास्त्र मूवी में जो इनके द्वारा गाया गया सॉन्ग है उन्हीं के लिए इनको मिला है। बेस्ट सिंगर फीमेल की बात करते हैं तो यह बॉम्बे जयश्री, तो बॉम्बे जयश्री को जो है बेस्ट सिंगर फीमेल का अवार्ड मिला है यहाँ पर, तो ये दोनों को भी आप लोगों को याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अरिजीत सिंह ब्रह्मास्त्र मूवी के लिए बेस्ट सिंगर मेल और बॉम्बे जयश्री बेस्ट सिंगर फीमेल का पुरस्कार इन दोनों को मिला है। अब दोस्तों आगे बात करते हैं फिर बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर की बात करते हैं, तो वह प्रीतम को मिला है ब्रह्मास्त्र मूवी के लिए, ये भी आप याद रखेंगे प्रीतम को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के रूप में। बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन बैकग्राउंड में, तो बैकग्राउंड में जो है बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन का अवार्ड जो मिला हुआ AR रहमान को मिला है, और यह पोनियन सेल्वन 2 के लिए दिया गया, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे पोनियन सेल्वन 2 के लिए AR रहमान को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर बैकग्राउंड का पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है। आगे दोस्तों अब यहाँ पर फिर बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ साउंड डिजाइन, तो सर्वश्रेष्ठ साउंड डिजाइन में अवार्ड मिला है आनंद कृष्णमूर्ति को, जो कि पोनियन सेल्वन 2 के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ छायांकन, तो सर्वश्रेष्ठ छायांकन जो है वह पोनियन सेल्वन फिल्म को मिला है, तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। आगे फिर से देखते हैं यहाँ पर दोस्तों सर्वश्रेष्ठ गीतकार, तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सर्वश्रेष्ठ गीतकार का अवार्ड जो है किसको मिला है, तो वह मिला है नौशाद सदर खान को, और यह फौजा मूवी के लिए मिला है जो कि एक हरियाणवी फिल्म है, तो सर्वश्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार मिला है नौशाद सदर खान, ये आप लोग याद रखेंगे। सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्शन डिजाइन की बात करते हैं तो यह अपराजितों को
मिला है, तो ये आप लोग याद रखेंगे। सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्शन लीजेंड अपराजितो। दोस्तों बेस्ट सिनेमेटोग्राफी की बात करते हैं तो यह रवि वर्मन को मिला है जो कि पोनियन सेल्वन मूवी के लिए मिला, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि बेस्ट सिनेमेटोग्राफी जो है वो रवि वर्मन को मिला है। बेस्ट स्क्रीन प्ले जो कि ओरिजिनल जो है स्क्रीन प्ले होता है, तो यहाँ पे बेस्ट स्क्रीन प्ले का जो पुरस्कार दिया जाएगा वह आटम द प्ले मूवी के लिए दिया गया जो कि एक मलयालम फिल्म है, तो ये आप लोग ध्यान रखें कि आटम द प्ले है उनको बेस्ट स्क्रीन प्ले ओरिजिनल का पुरस्कार मिलेगा या तो फिर घोषणा हो चुकी है। बेस्ट एडिटिंग की बात करते हैं तो यह आटम द प्ले, तो यह बेस्ट एडिटिंग का जो पुरस्कार दिया जाएगा वह आटम द प्ले को दिया जाएगा, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। दोस्तों आगे फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पर, तो बेस्ट साउंड डिजाइन की बात करते हैं तो बेस्ट साउंड डिजाइन का जो पुरस्कार मिला है वह अनंत को मिला है जो कि पोनियन सेल्वन के लिए दिया जाएगा, तो अनंत को जो है वह बेस्ट साउंड डिजाइन के लिए मिलेगा, वह पोनियन सेल्वन फिल्म के लिए मिलेगा। स्पेशल मेंशन, तो दोस्तों स्पेशल मेंशन या स्पेशल अपीयरेंस की बात करते हैं तो यह मनोज वाजपेयी को पुरस्कार मिलेगा और यह जो है गुलमोहर फिल्म के लिए मिलेगा जो कि एक हिंदी फिल्म है, तो भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि स्पेशल मेंशन या स्पेशल अपीयरेंस होता है मूवीज में तो उन इसके लिए मिलेगा मनोज वाजपेयी को पुरस्कार जो कि गुलमोहर फिल्म के लिए मिलेगा जो कि एक हिंदी फिल्म है। दोस्तों बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट की बात करते हैं तो यह श्रीपद इनको मिलेगा बेस्ट चाइल्ड एक्ट्रेस ए आर्टिस्ट का पुरस्कार जो कि मल्लिकापुरम फिल्म के लिए मिलेगा, यह एक मलयालम फिल्म है, तो भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट श्रीपद जो कि मल्लिकापुरम जो कि मलयालम फिल्म है इनके लिए इसको मिलेगा। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर बेस्ट फीचर फिल्म, टीवी के हिसाब से देखा जाए तो बेस्ट फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा सिकाई सल को, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछने की संभावना है। दोस्तों अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं इधर में तो सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म की बात करते हैं, तो हिंदी फीचर फिल्म की बात करें तो यह गुलमोहर को मिला है, और ये जो गुलमोहर है इसमें शर्मिला टैगोर और अनुज और मनोज वाजपेयी ने यहाँ पे एक्टिंग किया हुआ है, इन्होंने अभिनय किया हुआ है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछने की संभावना, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म गुलमोहर को मिलेगा जो कि शर्मिला टैगोर और मनोज वाजपेयी इनमें रोल किए हैं। सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फीचर फिल्म की बात करते हैं, यहाँ पे तेलुगु फीचर फिल्म की बात करते हैं तो ये कार्तिकेय 2 को पुरस्कृत किया जाएगा, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। सर्वश्रेष्ठ तमिल फीचर फिल्म की बात करते हैं तो तमिल लैंग्वेज में जो कि रीजनल लैंग्वेज में होता है यहाँ पर क्षेत्रीय फिल्मों में जो कि राजकीय भाषा होती है तो उनमें दिया जाएगा, तो सर्वश्रेष्ठ तमिल फीचर फिल्म जो है वो पोनियन सेल्वन को पुरस्कृत किया जाएगा। सर्वश्रेष्ठ मलयालम फीचर फिल्म की बात करते हैं तो यह साउदी वेलक्कम CC 225/2009, तो यह सर्वश्रेष्ठ मलयालम फीचर फिल्म है साउदी वेलक्कम, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। सर्वश्रेष्ठ कन्नड़ फीचर फिल्म की बात करते हैं तो कन्नड़ भाषा में जो है उसमें सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसको मिलेगा, तो यह KGF चैप्टर 2 को दिया जाएगा, तो यह भी ध्यान रखेंगे, ये सारी चीज़ें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सर्वश्रेष्ठ मराठी फीचर फिल्म की बात करें तो यह वाल्वी को दिया जाएगा, यह मराठी फीचर फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ पंजाबी फीचर फिल्म की बात करें तो यह बागी दी धी, यह फिल्म का नाम है बागी दी धी, सर्वश्रेष्ठ पंजाबी फीचर फिल्म, तो ये भी याद रखेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ उड़िया फीचर फिल्म की, तो यह दमन मूवी जो है वह सर्वश्रेष्ठ उड़िया फीचर फिल्म है, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि जो है इधर विभिन्न भाषाओं में जो है सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछने की संभावना है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले हिंदी में देखेंगे तो गुलमोहर, सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फीचर फिल्म देखेंगे तो कार्तिकेय 2, सर्वश्रेष्ठ तमिल फीचर फिल्म की बात करते हैं तो पोनियम सेल्वन, सर्वश्रेष्ठ मलयालम फीचर फिल्म की बात करते हैं तो साउदी वेलक्कम, सर्वश्रेष्ठ कन्नड़ फीचर फिल्म की बात करते हैं तो KGF चैप्टर 2, सर्वश्रेष्ठ मराठी फीचर फिल्म की बात करते हैं तो ये वाल्वी, सर्वश्रेष्ठ पंजाबी फीचर फिल्म की बात करें तो बागी दीघी, सर्वश्रेष्ठ उड़िया फीचर फिल्म की बात करते हैं तो दमन, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इसमें से जो है ये तो इम्पोर्टेंट आप लोगों को याद रखना ही रखना है, साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर जो बेस्ट एडिटिंग है बेस्ट स्क्रिप्ट प्ले है ये दोनों जो है फिल्म एक ही फिल्म है इनको मिला है। और दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं फिर सर्वश्रेष्ठ गीतकार जो है ये आप लोगों को ध्यान रखना, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बात करते हैं तो बेस्ट सिंगर फीमेल, ये दोनों को भी आप लोगों को याद रखना ही रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। और दोस्तों बेस्ट फिल्म एनिमेशन की बात करते हैं, बेस्ट फीचर फिल्म जो कि कच्छ एक्सप्रेस से, ये दोनों को तो याद रखना, ये साथ साथ बेस्ट पॉपुलर फिल्म कांतारा ये भी याद रखना है, साथ साथ बेस्ट एक्टर सपोर्टिंग, बेस्ट एक्ट्रेस सपोर्टिंग, बेस्ट फीचर फिल्म, ये तीनों को भी
ध्यान रखना है ही रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछने की संभावना है, पिछलों को आप लोगों को याद रखना ही रखना है। और दोस्तों बेस्ट एक्टर जो कि ऋषभ शेट्टी है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। कांतारा के लिए ऋषभ शेट्टी को मिला है, और बेस्ट एक्ट्रेस जो कि नित्या मेनन और मानसी पारेख, इन दोनों को मिला है। तो ये जो है फिल्म के नाम को भी आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देख लिया 17वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 का घोषणा हो चुका है और इनको पुरस्कृत किया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि नेशनल फिल्म अवार्ड की, तो इसका जो स्टार्ट हुआ है देने की, यह 1954 में हुआ है, तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। जीके जो है वह इम्पोर्टेंट होता ही है। तो नेशनल फिल्म अवार्ड देने की जो घोषणा हुई, जो कि शुरुआत किया गया, वह 1954 से किया गया। तो आप लोग यहाँ पर जितने भी चीज़ें थी जहाँ से क्वेश्चन पूछी संभावना थी 17वां राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड 2024 से, वो मैंने आप लोगों को बता दिया। तो आप लोग सारी जानकारी को एक एक करके देख लेंगे।